इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत की हार के बाद टीम के बल्लेबाजों पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में टीम के युवा बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बना ली है। इस श्रृंखला के दौरान यशस्वी जायसवाल ने खुद को आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर स्थापित किया। लगातार दोहरे शतक जड़कर इस 22 साल के खिलाड़ी ने साबित किया कि वे लंबे रेस के घोड़े हैं। जायसवाल ने बचपन के दिनों में काफ़ी संघर्ष किया है और उनके खेल में रनों की भूख दिखती है। राजकोट में उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत में धैर्य से बल्लेबाजी की और जब क्रीज पर समय बिताने के बाद बेखौफ होकर बड़े बड़े शॉट लगाने लगे। अनुभवी जेम्स एंडरसन के खिलाफ 3 छक्के उनके आत्मविश्वास की कहानी को बयां करती है। उन्होंने दिखाया कि जरूरत के मुताबिक रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से सहजता से खेल सकते हैं। राजकोट टेस्ट में पदार्पण करने वाले सरफराज खान और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने भी अपने खेल से सबको प्रभावित किया। सरफराज ने दोनों पारी में 68 जड़कर टीम में शामिल होने का जश्न मनाया तो जुरेल ने भी पहली पारी में 46 रन बनाकर बेहतर बल्लेबाजी का सबूत पेश किए। जुरेल को हालांकि स्पिनरों की मददगार पिचों पर अपने विकेट कीपिंग के कौशल में थोड़ा और इजाफा करना होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इन तीनों युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित दिखे। उन्होंने इन तीनों की तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि ये आजकल के बच्चे लंबे समय में राष्ट्रीय टीम का दरवाज़ा खटखटा रहे सरफराज को दिग्गज विराट कोहली और लोकेश राहुल की गैरमौजूदगी में जब मौका मिला तो उन्होंने अपनी पारी की पहली गेंद से पूरा आत्मविश्वास दिखाया। यह लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का परिणाम था। भारतीय बल्लेबाज आमतौर पर स्वीप शॉट खेलने से बचते हैं, लेकिन सरफराज ने अपने ज़्यादातर रन इसी शॉट से बनाए हैं। उन्होंने स्पिनर के खिलाफ इस शॉट का प्रभावी इस्तेमाल किया। जुरेल विकेटकीपर के तौर पर पहली पारी में स्पिनरों के खिलाफ असहज दिखे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने अच्छी वापसी की। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को उन्होंने शानदार प्रयास के साथ रन आउट किया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी जायसवाल की तारीफ। कप्तान बेन स्टोक इस बल्लेबाज के पीठ थपथपाते हुए दिखे, वही डकेट ने भी भविष्य का सितारा करार दिया। बचपन में आज़ाद मैदान के टेंट में रात बिताने वाले जायसवाल ने कहा कि भारत में कुछ भी आसानी से नहीं मिलती है। मैं इसलिए अभ्यास में कड़ी मेहनत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि हर पारी मायने रखती है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा अपने देश के लिए खेलना है और मुझे पता है कि अपना 100% देने की ज़रूरत। जायसवाल ने अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन से टीम में जगह बना पाई है।